मंडी न्यूज इज ब्रॉट यू बाय टाइगर अकेडमी ऑफ मार्शल आर्ट, जो कि बच्चों को देता है ताई कवांडो की ट्रेनिंग। संस्थान में दर्जनों बच्चे अपनी पढ़ाई के साथ साथ ताई कवांडो की ट्रेनिंग ले रहे हैं। संस्थान के मैनेजिंग डायरेक्टर मिस्टर दिनेश ठाकुर पिछले 2 सालों से बच्चों को आत्मरक्षा के गुर सिखा रहे हैं और बच्चों को समय समय पर स्वास्थ्य के प्रति जागरूक भी कर रहे हैं। यहाँ से सीखे हुए बच्चे देश विदेश राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मेडल जीत कर ला रहे हैं। तो देर मत कीजिए, संस्थान में दाखिला शुरू है। अधिक जानकारी के लिए आज ही संपर्क करें। करसोग में मंगलवार को पंचायत समिति की त्रैमासिक बैठक का आयोजन किया गया, जिसकी अध्यक्षता पंचायत समिति अध्यक्ष चमेलू देवी ने की। इस मौके पर उपमंडलाधिकारी नागरिक अपूर्व देवगन, सहायक आयुक्त विकास तोरुल रवेश, पंचायत निरीक्षक लुदर सिंह, विकासखंड कार्यालय अधीक्षक भूपेंद्र शर्मा सहित विभिन्न क्षेत्रों से आए पंचायत समिति सदस्य व विभिन्न विभागों के उच्च अधिकारी उपस्थित हुए। पंचायत समिति करसोग के कुछ सदस्यों ने कुछ विभागों के अध्यक्षों के न पहुँचने पर कड़ा ऐतराज जताया। बैठक में पूर्व पंचायत समिति उपाध्यक्ष स्वर्गीय दिलीप मेहता को जहां श्रद्धांजलि दी गई, वहीं उनके पिता को सम्मानित किया गया। विभिन्न क्षेत्रों से आए पंचायत समिति सदस्यों ने कई विकास कार्य लटके होने पर अधिकारियों से जवाब मांगा तथा कई मुद्दों पर विस्तार पूर्वक चर्चा भी की। समिति की बैठक में स्थानीय निवासी युवा भूपेंद्र सिंह के अन्य हथियारों को जल्द पकड़ने की भी मांग रखी गई। अभी हमारे समिति के मेंबर जो हैं, इन्होंने एक छोटी सी बात कही थी कि उनकी याद में कुछ करना चाहिए। आगे का आप क्या प्लान करते हैं, कैसे भी प्लान करते हैं, वो एक अलग बात है, वो एक आगे की बात है। परंतु मैं ये सोचता हूँ कि उनकी याद में एक छोटी सी चीज़ आज जो हम कर सकते हैं, रक्तदान कर सकते हैं। अगर आप सभी के मन में आए तो आप ज़रूर उनकी याद में आज आप रक्तदान करें, क्योंकि जब एक्सीडेंट के विक्टिम भी होते हैं, महिलाएं भली मानती जानती हैं कि प्रेगनेंसी के दौर में भी खून की सख्त आवश्यकता होती है। हमारे दुर्गम इलाकों में जब सर्जरी की, वैसे जब प्रेग्नेंट होती हैं महिला, तब उनको 11 बार चेकअप कराना होता है। जो मुद्दों पे जिन पे चर्चा होगी, मैं थोड़ी देर में आपके साथ रहूँगा, मैं 12 बजे तक आपके साथ बैठूँगा। मैं इसीलिए आया था कि थोड़ा समय लगा लूँ। जो उसके बाद भी कोई चर्चा अगर आपके होगी, कुछ जो आप मेरे साथ डिस्कस करना चाहेंगे, आप आएँ, मेरा दरवाज़ा हमेशा खुला है ना। कुछ आपने कुछ ऐसे एजेंडा हो जिसमें कोऑर्डिनेशन चाहिए हो विभिन्न विभागों की, सारे हमारे अफसर यहाँ पे मौजूद हैं, वैसे तो वो खुद ही ध्यान रखेंगे, परंतु कुछ ऐसी भी चीज़ हो जिसमें आपको लगता हो कि मेरे ध्यान देने की जरूरत है, तो आप मेरे को जरूर बताएं। दिव्य हिमाचल वेब टीवी के लिए करसोग से नरेंद्र शर्मा की रिपोर्ट।